हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लासेस कैंपस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाई की रीजनिंग समझ में आ रही होगी और आप पढ़ भी रहे होंगे। दोस्तों, धीरे धीरे करके हमारे चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं। मैंने आपको 3 से 4 चैप्टर अब तक खत्म करा दिए हैं और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको आकृति के जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको सारे करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम एक नए चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है वर्गीकरण। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, वर्गीकरण। इसमें जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए लकड़ी अलमारी मेज और लोहा। मान लो ऐसे इस प्रकार से कोई आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और इसमें आपको बोल दिया जाएगा कि इसमें से विषम शब्द का चयन कीजिए। विषम शब्द का चयन कीजिए, हमेशा क्वेश्चन में क्या बोलेगा, क्लासिफिकेशन की क्या पहचान है, विषम विषम शब्द का चयन करना होता। विषम शब्द मतलब जो इन सबसे मेल नहीं खाता हो। ठीक है दोस्तों, जो इन सबसे मेल नहीं खाता हो आपको उस शब्द के बारे में बताना है। जैसे कि अगर मैं लकड़ी देखूं, अलमारी देखूं और मेज देखूं, ये तीनों क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि लकड़ी से ही अलमारी बनती है और उससे ही मेज बनती है। तीनों की जो जो क्लासिफिकेशन है वो सेम है, लेकिन जो लोहा है वो क्या है, अलग है। लोहा क्या है, अलग है। किस प्रकार से अलग है, लोहा इन सब से अलग है। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है, लकड़ी के सारे समान है और लोहा इन सब से अलग है। तो इसमें विषम शब्द कौन सा होगा, लोहा। तो अगर आपका ऑप्शन मिलेगा तो ऑप्शन आप क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। और ऐसे ही आपके क्वेश्चन आते हैं, इसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं भाई। एक आता है आपका संख्या पर आधारित, एक आपका अक्षर पर आधारित। ठीक है दोस्तों, एक संख्या पर आता है, एक अक्षर पर आता है और एक आपका ये होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें आपको भाई कोई राजधानी दे दी जाएंगी, ठीक है दोस्तों, कोई प्रदेश दे दिए जाएंगे या फिर कोई ऐसे प्रदेश दिए जाएंगे जिनकी सीमा किसी देश से लगती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर मैं यहाँ उत्तराखंड और सॉरी उत्तराखंड छोड़ छोड़िए, अगर मैं यहाँ पंजाब और उत्तर प्रदेश और आपका हरियाणा और गुजरात लिखूं, तो आपसे बोल दिया जाए विषम शब्द का चयन कीजिए। भाई जो उत्तर प्रदेश है, एक तो विषम शब्द किस प्रकार से बनेगा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा संख्या जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या बन सकता है, भाई एक देश से उसकी सीमा लगती है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। आप उसमें कैसे भी आपको विषम शब्द का चयन करना है, कोई भी तरीका लगा कर, कोई भी तर्क लगा करके विषम शब्द का चयन किया, लेकिन तर्क सही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तर्क हमेशा सही होना चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम शब्द का चयन करना है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन लिख देता हूं, निम्नलिखित में से विषम शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन है आपका, ए समुंदर, बी आपका नदी, सी आपका महासागर और डी है आपका तरणताल। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। यदि आपको नहीं पता है तो आप इसको गलत करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे समुद्र और महासागर, भाई ये दोनों बड़े होते हैं, आपको तरणताल के बारे में नहीं पता है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन लगा सकते हैं। क्योंकि जो नदी है, जो इनमें जल है, जल का जो क्वांटिटी है वो उसमें ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो तीनों है, समुद्र, नदी और महासागर, ये क्या है, हमारे प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है। और जो तरणताल है, ये हमारा, इसका जो तरणताल है इसको हम क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल। क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल। अब आप देखिए ये तीनों क्या है, प्राकृतिक है, स्विमिंग पूल क्या है, कृत्रिम है। ठीक है दोस्तों, मानव निर्मित है, तो इनसे अलग विषम शब्द कौन सा होगा, तरणताल होगा। यदि आपको पता है तो आप लगा देंगे, नहीं पता है तो आप समुद्र या महासागर में से कोई सा ऑप्शन सही कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या है, डी सही है। ठीक है दोस्तों, क्या सही है, डी सही है।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, करने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन है लाल सफेद, लाल बी है सफेद, सी है आपका नीला और डी है पीला। दोस्तों बहुत से कमेंट आएगी, थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं, थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों तेज पढ़ाने की स्पीड तेज है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन भी उसी हिसाब से ज्यादा कराता हूं। थोड़ा धीरे चलेंगे तो क्वेश्चन भी कम कर पाएंगे और समझ में भी कम आएगा, ठीक है दोस्तों। अगर किसी को तेज लगता है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं और थोड़ा स्लो कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसमें विषम शब्द, भाई लाल सफेद नीला और पीला। आपने इंद्रधनुष देखा है? अगर आपने इंद्रधनुष देखा है तो आपको उसमें लाल नीला और पीला देखने को मिल जाएगा, लेकिन सफेद देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। सफेद देखने को नहीं मिलेगा, और ये तीनों क्या है, इंद्रधनुष के रंग है। इंद्रधनुष में होते हैं, सफेद नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, सफेद नहीं होता है इंद्रधनुष में। तो विषम शब्द क्या होगा आपका, बी। विषम शब्द क्या होगा आपका, बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, बताइए इसका क्या आंसर है, मात्र एक सेकंड में आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप पुदुचेरी निकोबार और अंडमान। देखिए आपको इसमें तर्क क्या लगाना है। यदि आपको पता है कि लक्षद्वीप पुदुचेरी और निकोबार अंडमान, इसमें से लक्षद्वीप और निकोबार और अंडमान क्या है, ये तीनों क्या है, द्वीप है, क्या है, द्वीप है। ये तीनों क्या है भाई, लक्षद्वीप निकोबार और अंडमान क्या है, द्वीप है, लेकिन पुदुचेरी द्वीप नहीं है, ठीक है दोस्तों, पुदुचेरी द्वीप नहीं है। तो इससे विषम शब्द का पता चल रहा है, तो विषम शब्द कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी पुदुचेरी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है आंख कान नाक और प्रकोष्ठ। आंख कान नाक और प्रकोष्ठ, अब आप देखिए आंख कान और नाक, आप आंख और कान और नाक को देख सकते हैं, लेकिन प्रकोष्ठ को नहीं देख सकते, क्योंकि प्रकोष्ठ क्या होता है, एक कान का अंदर का भाग होता है। प्रकोष्ठ क्या होता है, कान का अंदर का भाग होता है, जो मस्तिष्क से रिलेटेड होता है, ठीक है दोस्तों। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंख नाक कान को आप देख सकते हैं, लेकिन प्रकोष्ठ को नहीं देख सकते, क्योंकि ये कान के अंदर का भाग होता है। आगे देखिए पीतल इस्पात कांस्य और टीन, पीतल इस्पात कांस्य और टीन। इसमें देखिए क्या अंतर है, जो पीतल है और इस्पात है और कांस्य है, ये सब क्या है, मिश्रित धातुएं हैं। इसमें जो पीतल में कुछ ना कुछ मिक्स होता है, इस्पात में कांस्य में मिक्स होता है, लेकिन टिन क्या है, प्योर धातु है, टिन में कुछ मिक्स नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो टिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा क्वेश्चन किसमें आया, एसएससी सीपीओ 2015 में आया था, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाथी मगर गैंडा और दरियाई घोड़ा। हाथी मगर गैंडा और दरियाई घोड़ा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2012 में आपका क्वेश्चन आया था। आपको इसमें बताना है कि कौन सा विपरीत विषम है। तो हाथी गैंडा और दरियाई घोड़ा ये क्या है, देखिएगा ध्यान से, हाथी गैंडा और दरियाई घोड़ा क्या है, स्तनधारी है, क्या है, स्तनधारी है। बल्कि मगर क्या है, एक सरीसृप की प्रजाति में आता है। मगर किसमें आता है, सरीसृप की प्रजाति में। अब आप ये तो नहीं कहेंगे भी मगर पानी में रहता है, क्योंकि दरिया घोड़ा भी तो पानी में रहता है, ठीक है दोस्तों। या फिर आप कहेंगे भाई हाथी जमीन पर रहता है, पानी में रहता है, तो गैंडा भी जमीन पर रहता है, तो इस प्रकार से कोई तर्क नहीं लग रहा। तो आप इसमें तर्क क्या लगाएंगे, जो हाथी गैंडा और दरिया घोड़ा है वो क्या है, स्तनधारी है, और जो मगर है वो क्या है, सरीसृप है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार बस स्कूटर और जीप। ऑप्शन नंबर ए कार, बी बस, सी स्कूटर और डी जीप। इसमें आपको बताना है विषम शब्द कौन सा है, विषम शब्द आपको बताना है। आप देखिए कार में कितने पहिए होते हैं, चार, बस में चार से ज्यादा होते हैं, जीप में भी चार होते हैं, लेकिन स्कूटर में कितने पहिए होते हैं, दो होते हैं। स्कूटर में कितने पहिए होते हैं, दो होते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इसमें यह तर्क भी लगा सकते हैं कि बस तो डीजल से भी चलती है, तो कार भी तो डीजल से चलती है, जीप भी कुछ ऐसी है जो डीजल से चलती है, और कार भी कुछ ऐसी है, लेकिन स्कूटर पेट्रोल से चलता है, ठीक है दोस्तों। तो जीप और कार तो दोनों कॉमन आ जाएंगी, तो ये तो ऑप्शन नहीं बैठेगा। तो आप क्या लगाएंगे, पहिए के अनुसार इसको सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपका अल्फाबेट से रिलेटेड है, बताना क्या है, बताना वही है विषम शब्दी, बताना क्या है,
विषम शब्द। स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन क्या है, ए जी एच और आई, बी आपका एक्स वाई और जेड, सी आपका यू सॉरी वी यू और टी, और डी आपका सी डी और ई। आपको इसमें बताना क्या है, विषम शब्द बताना है। अब आप देखिए अगर मैं जी से देखूं तो जी एच आई मतलब कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों, जी एच आई में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिए एक्स वाई जेड, इसमें कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। उसके बाद देखिए एक्स वाई जेड आपसे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है और जी एच आई में कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद देखिए सी डी ई, सी के बाद डी, ई के बाद ई, एक एक प्लस हो रहा है, इसमें भी एक एक प्लस हो रहा है और इसमें भी एक एक प्लस हो रहा है। अब आप देखिए टी यू वी ये किस दिशा में, आगे की दिशा में चल रहे थे तीनों के तीनों, ये किस दिशा में, पीछे की दिशा में, टी यू वी, तो विपरीत कौन सा हो जाएगा, टी यू वी, क्योंकि ये क्या लिख रहा है, विपरीत लिख रहा है। अगर ये टी यू वी होता तब ये सही होता, ठीक है दोस्तों, अगर ये टी यू वी होता तब सही होता, लेकिन अब क्या है, ये गलत है, तो विषम शब्द आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है के एम ओ यू एक्स ए, सी है सी ई और जी, उसके बाद देखिए डी एल एन और पी, ठीक है एसएससी सी पे 2016। अब इसमें देखिए तर्क आपका क्या लग रहा है, सबसे पहले देखिए के बाद क्या आता है, एल, एल के बाद एम, मतलब क्या हो रहा है, प्लस दो हो रहे हैं, एम फिर प्लस दो करते हैं तो वो आ जाएगा। देखिए के कितने पर आता है, 11 पर, 13 पर, 15 पर, उसके बाद देखिए 3, 5, 7, उसके बाद देखिए 12, 14 और 16, मतलब प्लस दो दो हो रहे हैं इसमें। अब आप यहां देखिए, इसको देखते हैं U, X और A को देखते हैं, भाई U कितने पर आता है आपका, 21 पर, और X कितने पर आता है, 24 पर, और A 1 पर, क्या अंतर आपको 3 का मिला, यहां पर क्या अंतर आपको कितना मिला, माइनस के 23 का मिला, ठीक है दोस्तों, तो आपका विषम शब्द कौन सा हो जाएगा, U, X, A, क्योंकि इसमें प्लस दो हो रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है दोस्तों, तर्क आपका लग गया। आगे चलते हैं अगली टाइप की तरफ, अगली टाइप हमारी क्या आएगी, संख्या से रिलेटेड आएगी, संख्या से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है देखिए 16, 25, बी पार्ट है इसका 36, 49, सी पार्ट है 64, 81 और डी पार्ट है इसका 50, 25। अब आप देखिए यहां पर भाई क्वेश्चन में देखने से आपको क्या पता लग रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो आपको लग रहा होगा अभी 16 और 25 मतलब 4 का स्क्वायर और 25 5 का स्क्वायर, 36 और 49 मतलब 6 का स्क्वायर और यहां पर 7 का स्क्वायर, 64 मतलब 8 का स्क्वायर और 81 मतलब 9 का स्क्वायर, 50 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए हमारी ट्रिक क्या लगी, जो हमारी रीजनिंग लगी वो क्या थी, भाई 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद देखिए 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 50 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 49 होता तो आगे हमारी ये ट्रिक चल जाती और 25 होता है तो यहां पर दोनों स्क्वायर थे, यहां पर सिर्फ एक नहीं है, तो विषम शब्द क्या हो गया आपका 25 और 50, विषम शब्द क्या हो गया 25 और 50। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, करने का प्रयास करिएगा, बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 81, 10, बी है 9100, सी है 1189 और डी है आपका 1234। अब आप इसमें देखिएगा, यदि मैं इसमें देखूं भाई पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 81, 10 मतलब नहीं बैठ रहा कुछ भी, क्योंकि सिर्फ 9 का वर्ग बैठ रहा, उसके बाद इसमें कोई ट्रिक वर्ग की नहीं लग रही है, ठीक है दोस्तों। यदि मैं इन्हें जोड़ता हूं 8 + 1 + 1 + 0 मतलब 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए, उसके बाद देखिए 9 + 1 + 0 और + 0 मतलब क्या हो गया 10 हो गया, उसके बाद देखिए 1 + 8 + 9 और + 1 यहां जोड़ लीजिएगा मतलब क्या होगा 9 और 1 10 8 और 1 9 मतलब 19 हो गया, और यहां पर देखिए 1 + 2 + 3 + 4 मतलब 10। यदि मैं इनको जोड़ता हूं एक एक संख्या को तो हमें ए भी 10 मिलता है, बी भी 10 मिलता है और डी भी 10 मिलता है, लेकिन अलग कौन सा है इसमें,
ग्यारह नवासी, क्यों? क्योंकि जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 19 मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको रीजनिंग इसमें लगानी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 132.6 बी है 125.8 सी है 124.7 और डी है 112.3। यहां पर आपको देखने में क्या लग रहा होगा भाई, अगर मैं इसे देखूं तो 5 का स्क्वायर और 5+3 भाई 5 की क्यूब और 5+3 जोड़ दिया तो कितना आ गया भाई 125 और 5 3 8 आ गया। लेकिन अगर मैं यहां देखूं तो यहां कोई ट्रिक उसके बाद लग नहीं रही है, तो आपकी ये रीजनिंग तो इसमें लगेगी नहीं। तो आप सोचिएगा थोड़ा क्या रीजनिंग लग सकती है, थोड़ा सा करने की कोशिश करिएगा, ऐसा कोई फारसी क्या नहीं है, करने की कोशिश करिएगा, देखिएगा। यदि मैं 1, 3 और 2 को जोड़ दूं तो कितना आता है, 6 आता है। यदि मैं 1, 2 और 5 को जोड़ दूं तो कितना आता है, 8 आता है। उसके बाद 1, 2 और 4, 4 2 6 1 7। उसके बाद अगर मैं इसे जोड़ता हूं 1, 1 और 2, मतलब कितना आ गया, 4 आ गया, लेकिन यहां पर क्या है, 3 है। यदि मैं इन संख्याओं को एक एक करके जोड़ता हूं तो 6 मिला हमें, इस 125 को एक एक करके जोड़ा तो मतलब 1, 2, 5 को जोड़ा तो मतलब कितना आ गया, 8 आ गया, और उसके बाद 1, 2, 4 को जोड़ा तो मतलब 7 आ गया, 1, 1, 2 को जोड़ा तो मतलब 4 आया, लेकिन यहां पर क्या है, 3 है। तो हमारा विषम कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विषम क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, पहला है D22R, बी है G29M, विषम शब्दी बताना है, सी है T36P और डी है V24B। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो आप सबसे पहले क्या करिए, उनका नंबर लिख लीजिए। भाई डी का नंबर 4, आर का नंबर कितना हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया। उसके बाद जी का नंबर 7, एम का नंबर कितना हो गया, 13 हो गया, टी का 20 और पी का 16 और बी का 2 और वी का 22। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए हमारी जो ट्रिक लग सकती है उसमें क्या लग सकती है। यदि मैं यहां शुरुआत करूं, 22 और 2 कितने हो गए, 24 मिल गया मुझे, 22 और 2 जोड़ने पर 24 आ गया। उसके बाद देखिए 20 और 16 जोड़ने पर कितना आ गया, 36 आ गया। यदि मैं 13 और 7 जोड़ू कितना आ गया, 20 आ गया। यदि मैं 14 और 18 जोड़ू तो मतलब कितना हो गया, 22 हो गया, सॉरी 4 और 18 जोड़ू तो कितना हो गया, 22 होगा। तो इसका मतलब ये है संख्याओं को जोड़ने पर हमें बीच वाली संख्या मिल रही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर आपका बी है उसमें ये नहीं मिलती है, ऑप्शन नंबर बी में आपको नहीं मिलती है। तो विषम शब्द आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर जो हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारा जो वर्गीकरण है आपको समझ में आया होगा, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक ही वीडियो में खत्म कर दिया मैंने सारा चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए। जय हिंद।